दोस्तों अंतिम ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से जिताया एसआरएच के खिलाफ हारा हुआ मुकाबला। तो बुमराह से भी अच्छी गेंदबाजी करवाने के बाद अर्जुन तेंदुलकर पर रोहित ने जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और अर्जुन तेंदुलकर को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि बुमराह और अर्जुन में से कौन अच्छा गेंदबाज है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन का 25वां लीग मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। यह मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया और इस मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जब मुंबई की ओर से पहले ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन आए, वहीं गेंदबाजी करने भुवनेश्वर कुमार आए। हालांकि यहां पर मुंबई को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जहां रोहित 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए और टी नटराजन ने उनका विकेट लिया। तो वहीं पावर प्ले समाप्त होने के बाद मुंबई ने एक विकेट गंवाकर 54 रन बनाए थे, लेकिन यहां पर फिर कैमरून ग्रीन ने पारी को संभाला जिन्होंने 64 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया क्योंकि ईशान किशन ने 38 तो वहीं तिलक वर्मा ने 37 रनों की पारी खेली। अब मुंबई की टीम ने 193 रनों का लक्ष्य हैदराबाद की टीम के खिलाफ रख दिया था और हैदराबाद की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने के लिए हैरी ब्रुक और मयंक अग्रवाल उतरे तो यहाँ हैरी ब्रुक 9 रन बनाकर ही चलते बने, लेकिन मयंक अग्रवाल ने जरूर 48 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों उनकी ये पारी पर्याप्त नहीं थी मैच जिताने के लिए और यहाँ इस बीच कप्तान एडन मार्करम के बल्ले से 22 तो वहीं हेनरिक क्लासेन के बल्ले से 36 रनों की पारी ही देखने के लिए मिली, जिसके चलते हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को 14 रनों से गंवा दिया और 14 रन से मिली इस करारी हार के बाद हैदराबाद की टीम अब पॉइंट टेबल में पिछड़ चुकी है और मुंबई की टीम को तगड़ा फायदा पहुंचा है। और दोस्तों अब अंतिम ओवर तो आप सभी को ध्यान ही होगा, जब अब्दुल शमद बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी करवाने का फैसला अर्जुन तेंदुलकर को सौंपा गया और अर्जुन तेंदुलकर ने ऐसी घातक गेंदबाजी करवाई कि अंतिम ओवर में 6 रन बनाना भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल कर दिया। और दोस्तों इस बीच अर्जुन तेंदुलकर की खूब तारीफों के पुल बांधते हुए रोहित शर्मा ने कहा, जब आपकी टीम में ऐसे होनहार गेंदबाज हो तो आपको डर नहीं लगता अंतिम ओवर तक भी अगर मैच चला जाए। मुकाबला पूरी तरह से हमारे नाम नहीं था क्योंकि शुरुआत में जिस तरह की बल्लेबाजी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने दिखाई थी और मध्यम क्रम उनका टिककर बल्लेबाजी कर रहा था, तब हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यह मुकाबला हमारे हाथों से निकल जाए। लेकिन हमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा क्योंकि अंतिम ओवर में जब 20 रन हैदराबाद को बनाने, तब मुझे उम्मीद थी कि अंतिम ओवर अगर मैंने अर्जुन तेंदुलकर को दिया तो वो जरूर मैच को हमारे नाम झोली में डाल देगा, क्योंकि अब्दुल समद के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही विकेट बचते नहीं थे और निचले क्रम के बल्लेबाज आखिरकार हैदराबाद के क्या ही कर लेंगे क्योंकि उन्हें मैच जीतने की आदत इतनी है नहीं। और इसी बात का फायदा हमने उठाया, जहां अर्जुन तेंदुलकर से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी गेंदबाजी करेंगे, सटीक लाइन की यॉर्कर लेंथ फेंकेंगे जिस पर बल्लेबाज के पास कोई मौका ही नहीं होगा बड़े शॉट खेलने का। और जब मैंने अर्जुन तेंदुलकर से कहा कि वो अब्दुल समद को एक रन भागने पर मजबूर करे और ऐसा अर्जुन ने किया भी, जिसके बाद हमें अब्दुल समद का विकेट रन आउट के तौर पर मिला क्योंकि वो दूसरा रन भाग रहा था और अब्दुल समद के आउट हो जाने के बाद हमें पता चल चुका था कि मैच अब हमारे नाम हो चुका है। हालांकि इस मुकाबले को हम अर्जुन तेंदुलकर की बदौलत जीते हैं, यह मायने नहीं रखता कि सचिन तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर के पिता हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि अर्जुन तेंदुलकर यहां अच्छी गेंदबाजी जब तक करवाएंगे तब तक टीम का हिस्सा वो लगातार अंतराल पर बनते रहेंगे। लेकिन जहां उन्होंने गलती की तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं इस वजह से उनको मैच में खिलाया जाए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए ही उनको मैचेस में खिलाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने तो खूब तारीफों के पुल अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी के लिए बांध दिए। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि अर्जुन तेंदुलकर पर जो रोहित ने कहा वो बिल्कुल सही है फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।